टू माई चैनल रानी द क्वीन ब्लॉग्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे हैं। आज का ये ब्लॉग्स मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। आज है 7 जनवरी और आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ। स्टार्ट की हूँ तो आप लोगों का सपोर्ट भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। और मैं पहले भी ब्लॉग्स बनाती थी पर मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो जाने के कारण मैं ब्लॉग्स बनाना बंद कर दी थी और मैं फिर से स्टार्ट की हूँ। और आज एक बहुत ही खास दिन है, आज माँ काली का यहाँ पे पूजा है। और मैं ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को न्यू ईयर्स की बधाई देना चाहती हूँ कि आप लोग के जीवन में न्यू ईयर्स में बहुत सारी खुशियाँ हैं और आप लोग स्वस्थ रहें और साथ साथ अपने लिए भी प्रे करूँगी। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आप लोग को ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा ताकि नेक्स्ट ब्लॉग अगर बनाऊँ तो आप लोग देख पाएँ और इसे इंजॉय कर पाएँ। सुबह सुबह उठकर सारा काम ख़त्म करके नहा करके मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि मैं बोली थी कि आज माँ काली का पूजा है यहाँ पे, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी। अभी हम लोगों का पूजा हो गया है तो वापस घर जा रही हूँ मैं। नाश्ता बना कर आई थी पर मेरा खाना बनाना भी बाकी है, तो सबसे पहले जाकर खाना बनाऊँगी दोपहर का और मैं वापस जा रही हूँ। मैं वापस आ गई हूँ घर में पूजा करके और अभी दोपहर का खाना बना रही हूँ। और बाबू भी ट्यूशन चला आया है माँ गई थी लाने के लिए, तो देखिए कैसे कर रहा है। तो उसका बदमाशी सारा दिन लगा हुआ ही रहता है, वो कुछ ना कुछ करता है। और जब खाना बन जाएगा तो उसे मैं खाना खिला दूंगी। और पहले जा रही हूँ उसे नहा लेती हूँ, इधर भात चढ़ा के रखी हूँ, भात को रह रखकर पहले से नहा लेती हूँ। पहले बाबू का नहाना हो गया है और मेरा खाना बनाना भी, इसलिए मैं दोनों को ही खाना दे दी हूँ, हस्बैंड और बाबू को। बाबू खाना एक खा सुना हस्बैंड अभी तो टीवी तो देख ले हवे में बैठे हुए हैं और मैं जा रही हूँ लाने के लिए। सुना है नीचे से क्या की नहीं है चीज दाओ एक टा आमा को नींबू नहीं है चीज ना कि दाओ एक टा दबा ना पूरा नहीं है ना एक टा दाओ तुम ही सब खेना आमा के एक टा दाओ सुतु मैं बेसी खाबो ना ए ठामी की गुटी गुटी नहीं जाचे छत तक बैनर गुलो केना नहीं जाचे नीचे छादे मदे थाकले तो ভালো হতো। अच्छा तो मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए और खाना बनाने के लिए। एटा बैग टके ना दिखा चीज आगे दिखा घूर इधर देखे बात। खाना खाने के बाद मैं छत पर ही चली आई थी और तब से मैं छत पे बैठी हुई थी। अब मैं जा रही हूँ नीचे, छत पर कोई भी नहीं है क्योंकि शाम हो गया है। देखिए पापा जी माँ बाबू कोई भी छत पे नहीं है, सब लोग नीचे चले गए हैं और सब हस्बैंड भी सोए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं हस्बैंड को उठाऊँगी और उसके बाद फिर बाबू को कुछ स्नैक्स दूँगी खाने के लिए। और उसके बाद फिर संध्या बत्ती देगी कि शाम के टाइम हो गया है तो संध्या बत्ती बहुत जरूरी है लेना, तो पहले संध्या बत्ती दे दूँगी उसके बाद फिर उसे पढ़ने के लिए बैठाऊँगी। तो जारी में नीचे Thank you.
बाबू को नाश्ते में दे दी हूँ कॉर्नफ्लेक्स खाने के लिए, और मैं बनाई हूँ माँ के लिए दूध वाला पीठा, जो माँ की फास्टिंग की हुई थी इसलिए उनके लिए बना के दे दी, तो माँ भी खा लेगी। अभी सबका नाश्ता हो गया है और मैं बाबू को पढ़ने के लिए बोल रही थी, पर वो पढ़ने तो बैठा ही नहीं, मुझसे क्रान बनवाने लगा। और अभी मैं जा रही हूँ रात का खाना बनाने के लिए। खाने में बनाने वाली सब्जी और खिचड़ी, तो अभी मेरे हस्बैंड तो है नहीं, वो घूमने के लिए चले गए हैं, और पापा जी और माँ सब टीवी देख रहे हैं। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि मैं क्रान कैसे बनाई हूँ और अपने बेटे को बुलाती हूँ। सुना तो आज का ब्लॉग्स मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।